हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के शानदार डिनर की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के शानदार डिनर की कहानी। बहुत समय पहले एक पहाड़ी की चोटी पर विशाखा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। विशाखा चुड़ैल बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी। वह हमेशा लोगों की मदद किया करती थी। इस वजह से आसपास के लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद चुड़ैलों की दुनिया से काली चुड़ैल उस इलाके में आती है। काली चुड़ैल बहुत ही पेटू चुड़ैल थी। उसे लोगों के घरों से खाना चुरा कर खाने की आदत थी। उसी गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। आज मेरा जन्मदिन है, शाम को तुम मेरे घर दावत खाने जरूर आना। हाँ हाँ अंजलि, मैं जरूर आऊंगी और साथ में तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आऊंगी। फिर शाम को अंजलि की सभी सहेलियाँ उसके घर पर दावत खाने पहुँच जाती है। लेकिन तभी रसोई घर की खिड़की से काली चुड़ैल अंदर घुस जाती है और वहाँ रखा सारा खाना खाकर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद अंजलि रसोई घर में खाना लेने जाती है, लेकिन वहाँ खाना ना पाकर उसे बड़ी हैरानी होती है। अरे, यहाँ रखा सारा खाना अचानक गायब कैसे हो गया? अब मैं अपनी सहेलियों को क्या खिलाऊंगी? इस बात से अंजलि बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ काली चुड़ैल वहाँ सारा खाना लेकर अपनी गुफा में पहुँच जाती है। अरे वाह, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मैं खूब मजे से ये खाना खाऊंगी। इतना कहकर काली चुड़ैल सारा खाना खत्म कर देती है। मजा आ गया, ये गांव वाले तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। अब मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह हर रात काली चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर निकलकर गांव में पहुंच जाती थी और लोगों के घरों से खाना चुरा कर खा लेती थी। दूसरी तरफ काली चुड़ैल की भूख दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है और धीरे धीरे वो गांव का सारा अनाज खत्म कर देती है। इस बात से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और मदद के लिए विशाखा चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। पता नहीं कैसे हमारे गांव का सारा अनाज खत्म हो गया, इस वजह से हम सभी को भूखे पेट सोना पड़ता है। प्लीज हमारी मदद कर दो विशाखा चुड़ैल। विशाखा चुड़ैल उसी वक्त अपने जादुई गोले में देखकर सच्चाई का पता लगा लेती है। अरे नहीं, ये तो काली चुड़ैल है, ये बहुत ही पेटू है। इसकी इसी आदत की वजह से चुड़ैलों की दुनिया से इसे निकाल दिया गया था। इसी ने गांव का सारा अनाज खत्म किया है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? बिना खाना खाए हम लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे रहते ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना कहकर विशाखा चुड़ैल अपनी शक्ति से वहाँ बहुत सारा लजीज खाना प्रकट कर देती है। देखो, मेरी शक्तियाँ सिर्फ रात में काम करती हैं, इसीलिए मैं रोज रात का डिनर तुम सभी को मेरे यहाँ करवा सकती हूँ। ये सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और हर रात डिनर करने के लिए विशाखा चुड़ैल के घर पहुँच जाते हैं। जब ये बात काली चुड़ैल को पता चलती है तो वो खाना चुराने विशाखा चुड़ैल के घर पहुँच जाती है। अरे वाह, इतना लजीज खाना तो मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर काली चुड़ैल सारा खाना उठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी विशाखा चुड़ैल उसे पकड़ लेती। आखिर तू आज मेरे पकड़ में आ ही गई, मैं अभी तुझे जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, एक श्राप की वजह से मैं पेटू चुड़ैल बन गई हूँ, इसीलिए अपनी भूख मिटाने के लिए मैं खाना चुरा कर खाती हूँ। तुम तो एक बहुत अच्छी चुड़ैल हो, इसलिए मुझे मत मारो। ये सुनकर विशाखा चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, आज से तुम भी गांव वालों के साथ मिलकर मेरे घर डिनर करने आ सकती हो।
ये सुनते ही काली चुड़ैल खुश हो जाती है और रोज गांव वालों के साथ मिलकर विशाखा चुड़ैल के घर पर बना डिनर खाने चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के शानदार डिनर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।